अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे बहन भाइयों, कैसे? उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी ठीक ठाक हैं। तो ये कहने से तुझे गांव से आया है साग, पर ये हमने कभी बनाया नहीं है। वैसे हम बनाते हैं गोभी साग, तो आज ये कहीं से आया है तो आज हम बना के देखते हैं। आया गांव से है, ज़ारा फातिमा को जो पढ़ाने के लिए आती है वो लाई है, तो बनाएंगे आज इसको फिर से। तो देखते हैं कि ये आया असल पंजाब से है तो पंजाब का साग कैसे बनता है। ये गंदल है, इस तरह से हम इसको छील लेंगे इस तरह से, इस तरह से। फिर हम इसको काटेंगे, काट के पानी उबलने के लिए रख देंगे। जब पानी उबलेगा तो फिर ये इसको साग में, साग को उसमें डालेंगे। अच्छे तरीके से पहले धो के इसको, तो जैसे जैसे हम जो जो करेंगे हम आपको दिखाते रहेंगे कि सरसों का साग कैसे बनाया जाता है और इसमें क्या क्या डालते हैं और किसी किस चीज़ की ज़रूरत है। थोड़ी थोड़ी पालक है इसके अंदर, तो कुछ पालक हम खुद अपने से डालेंगे और लाएंगे। तो फिर इंशाल्लाह आपको सब कुछ दिखाएंगे। कोई तमीज आ रही एक भी गंदा नहीं। हाथ से सही काटा नहीं जा रहा, मैं अभी उधर बैठती हूँ वहां पे काटती हूँ। इस तरह से हम काट लेंगे सारे साग को। ये सारा कचरा निकला है, था ही सारा कचरा, थोड़ा सा साग था इसके अंदर। इस तरीके से हम साग को धो लेंगे। इस तरीके से साग हम डाल देंगे हांडी में।
जी ये हम पालक थोड़ी सी काट के डाल रहे हैं। थोड़ी सी और अभी हम मिर्ची काट रहे हैं हरी। हरी मिर्ची काट के डालेंगे। पानी हमने गर्म होने के लिए उसके साग के अंदर ही रखा हुआ है, तो पानी गर्म गर्म करके डालना है। आज गरीब साग बना रहे हैं, गरीबो गरीबो साग बना रहे हो, गरीब लोग गरीब काम पे होंगे सारे के सारे। ओए हुक्का बन्नू हुए इनकी लड़ाई देखते। ये जब भी आता है इसका बाप काम से तो ये पहले तैयार बैठी होती है। ये बोलेगी तूने मुझे पहले छेड़ा है, वो बोलेगा तूने छेड़ा है। ये यही करते हैं ये देख। दांत इसके हैं नहीं है तो दांत काटती है उसको। आप बता तो जी साग हमारा हो गया तैयार माशाल्लाह से। अभी हम इसको नीचे उतारते हैं और इसको फिर तड़का लगाते हैं। हमने घी ऊपर रख दिया और इसमें हमने थोड़ा सा लहसुन डाला है। थोड़ा सा लहसुन को ब्राउन होने देंगे तो फिर डाल देंगे सारा साग। Thank you.
हमने सारे साग को तड़का लगा दिया। अब जैसे किसी का दिल चाहेगा तो खाता है, खाते रहेंगे। थोड़ा सा गरम किया, खा लिया। साग की खुशबू इतनी मज़ेदार है और इतना मज़े का साग है। जी साग हो गया हमारा तैयार। तो मेरे प्यारे बहन भाइयों, ये थी आज की हमारी रेसिपी। अगर आप लोगों को अच्छी लगे तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें और इंशाल्लाह वीडियो के साथ मिलेंगे। अभी हमें दे इजाज़त, अल्लाह।